12 से 2 पॉलिटिकल शो की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले में केजरीवाल तिहाड़ जेल में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। थोड़ी देर में सुनीता केजरीवाल से मिलने आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुलाकात अब से कुछ ही देर में होगी। अरविंद केजरीवाल के घर पर यह मुलाकात होगी। बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक उनके आवास पर पहुंचने वाले हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा दीपक से ही जानते हैं ये आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों का सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर जाकर मिलने का कार्यक्रम, क्या कोई संदेश लेकर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ये विधायक सुनीता केजरीवाल के पास? कोई प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, जो इतने दिन से सुनीता केजरीवाल के नाम की सुगबुगाहट थी उसी पर किसी तरीके की औपचारिक मोहर पार्टी के भीतर से लगाने की तैयारी है क्या दीपक? जी रोमना, इस वक्त जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बड़ा मैसेज जो है वो ज़रूर जाता है। इस वक्त सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि वो प्रमुखता से आगे नज़र आ रही हैं, चाहे वो फ्रंट रो आप कहें रामलीला मैदान में जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को बैठना होता है वहाँ पर सुनीता केजरीवाल बैठी हों, या फिर अरविंद केजरीवाल की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल कर रही हों। आज जो विधायक मिलने जा रहे हैं रोमाना, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक कल से ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग एक बार फिर से उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो रही है, एक बार फिर से वो बीजेपी में आ सकते हैं, चाहे 25 करोड़ रुपए दे देंगे, मंत्री पद दे देंगे और अब पार्टी में रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये वजह है कि अब ये मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सभी विधायक इंटैक्ट हैं, सुनीता केजरीवाल के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल जो मैसेज उन तक पहुंचा रही है उस मैसेज को फॉलो करने को तैयार है, और इसी संदेश के साथ तमाम विधायक जो है वो सुनीता केजरीवाल के पास जाएंगे। हो सकता है रोमाना कि इस दौरान एक प्रस्ताव भी सुनीता केजरीवाल के सामने ये लोग रखें कि ये कहा जाए कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है जिसकी एक तरीके से सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं वहां से सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बने। तो ये तमाम कोशिशें जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही हैं। जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा हूं कि कई सारे प्लान जो हैं अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के नेताओं को देकर गए हैं, प्लान भी उसी के तहत काम हो रहा है। बिल्कुल, और अब जिस तरीके से नाम आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक का सामने आ गया है उसके बाद ऐसा लगता है कि पार्टी किसी प्लान बी की तरफ अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या ये उसी क्रम में घटनाक्रम जुड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।